नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल में। आज की वीडियो है विंटर प्लांट केयर की, और हम क्या ऐसी फर्टिलाइजर डालें जो हमारा प्लांट्स में भर भर के फूल खिले और प्लांट हेल्दी रहे। तो जो हम फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं वही वीडियो शेयर करते हैं, कैसे केयर करते हैं। तो हमारा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कमेंट करके बताइएगा। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, बहुत रोज़ फ्लावर खिला है येलो कलर का, कलियाँ भी आई है। जब मैं फंगीसाइड का स्प्रे कर दिए हैं एक बार विंटर आने के पहले। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, हमने किचन वेस्ट कंपोस्ट लिए हैं और ये एनपीके 1919 और सरसों खली लिए हैं पहले बार इस बार, डीएपी के कुछ दाने, आज रोज मिक्सचर पाउडर आता है उसको ले लिए हैं, और फंगीसाइड पाउडर ये थोड़ा सा बराबर फंगीसाइड पाउडर 2 चम्मच लिए हैं सबके ना। ये फ्लावरिंग के लिए बहुत अधिक काम करता है रोज मिक्सचर। एनपीके 1919 से भी प्लांट हेल्दी बनाता है, एनपीके का इसमें यूज़ रहता है। डीएपी तो प्लांट को ना हेल्दी बनाता है, वही सब हम डीएपी ज़्यादा यूज़ करते हैं। एनपीके 1919 ना कभी कभार महीने 3 महीने में एक बार करते हैं, डेनियम के लिए बेस्ट रहता है। तो देखिए, सभी प्लांट को अभी ना थोड़ा सा कम ही फ्लावरिंग हो रहा है, और तो हम एक सबको सॉफ्ट प्रूनिंग कर दिए हैं, जितना भी हाइब्रिड हिबिस्कस है और जो भी फ्लावरिंग प्लांट अभी कम खिल रहे हैं, एक बार सब प्रूनिंग जरूरी है विंटर में। तो ये सब अभी मिक्स करके ना अच्छा से, और एक किचन वेस्ट कंपोस्ट ले लिए हैं। 6-7 महीना से बारिश के बाद जो हम हो गया था डिकम्पोस्ट, उसको सुखा लिए थे, और इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे। ये 5 फर्टिलाइजर को बेस्ट रहता है। ये सरसों का लिए फ्रेंड्स, ये ना प्लांट को ना अभी ठंड में थोड़ा ठंड हो गई है तो ये गर्माहट होता है और प्रोटेक्ट करता है प्लांट को, ठंड से बचाता है, और इसका लिक्विड फर्टिलाइजर भी बनाते हैं। तभी नीम खली नहीं डाल के ना सरसों खली इसका यूज़ कर रहे हैं, हम पहले बार यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब ना अलग से रख देंगे, और अच्छा से प्लांट को जरूरी है गुड़ाई करना, क्योंकि जितना हम गुड़ाई करेंगे तो सॉइल ना वो हल्का होता है मिट्टी, और जितना भी इधर उधर रूट एक्स्ट्रा ग्रो हो रहता है वो कट जाता है, और सब जो मेन रूट होता है उसको फर्टिलाइजर पहुंचाने में मदद करता है, और प्लांट भी ग्रीनरी बनाता है, फोटोसिंथेसिस में खाना बनाने के लिए काम होता है। तो इसीलिए ना प्लांट को, पत्तियों को भी हेल्दी, स्टेम को भी ज़रूरी रहता है। तो ये सब यूज़ करते हैं हम। तो इसको अच्छा से गुड़ाई करके ना ये प्लांट को, ये सॉरी मिट्टी को 2 इंच हटा लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा नीचे में डालेंगे तो फर्टिलाइजर ना ज़्यादा यूज़फुल होता है। ऊपर ऊपर डाल देंगे तो हम जब भी वाटरिंग करते हैं तो फर्टिलाइजर इतना वो नीचे गिर जाता है सब मिट्टी, तो थोड़ा दबा दिए रहेंगे तो जल्दी वो एब्जॉर्ब होके ना तुरंत रूट को पहुंचाता है, और प्लांट को ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो थोड़ा सा हम इसको ना 1 टीस्पून लेंगे, और एक किचन वेस्ट को ना ये बड़ा टेबल स्पून है बड़ा सा, इसी में ना चारों तरफ डाल देंगे जितना हो सके। किचन वेस्ट तो नुकसान नहीं करता है, हड्डी कंपोस्ट होना चाहिए अच्छा से सुखा के ना इसमें, और नीम खली भी थोड़ा सा मिला दिए थे सब, हम सुखा के रख लिए रहते हैं। तो अच्छा से सब में डाल देंगे अब सभी ना, और डेनियम प्लांट, अलमंडा प्लांट सब डरमेंसी में जाने वाले हैं। अभी 1-2 महीना सब रेस्ट करेंगे, इनको अच्छा से लास्ट फिटिंग कर देंगे तो आगे चल के ये प्लांट ना हेल्दी रहता है। जब इनका सीजन आ जाता है तो जल्दी फ्लावरिंग होने लग जाते हैं, तो इसीलिए ना थोड़ा सा अभी वो अच्छा से डाल देंगे। ये हिबिस्कस, गुड़हल, अगर जो भी हमारा हार्डे प्लांट रहता है, अलमंडा, नागचंपा, सभी में एक फर्टिलाइजर हम डालने वाले हैं। तो अभी सभी ना नागचंपा तो खिल ही रहा है फ्लावरिंग, तो ज़्यादा ठंड अभी हुई भी नहीं है, तो इसको भी ना ये हाइब्रिड हिबिस्कस का प्लांट था, पिछले महीना इसको हम ना एकदम येलो हो गई थी पत्ती, पता नहीं क्या न्यूट्रिशन से कमी था, तो इसको ना ऐसी वो फर्टिलाइजर डाले थे, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी डाल दिए थे। तो देखिए ना ग्रीनरी हो गई है, तो किचन वेस्ट का 2-2 चम्मच डाल देंगे, और थोड़ा सा ये केमिकल फर्टिलाइजर को ये 1 टीस्पून थोड़ा थोड़ा चारों तरफ, एकदम से कम भी नहीं डालेंगे। बड़े जो ये 12 इंच का गमला है तो बड़े गमले के लिए थोड़ा ज़्यादा ही डालना पड़ता है, छोटे गमले के लिए भी ना छोटा चम्मच में डालेंगे और असर भी नहीं होता है, केमिकल ऐसी कम ही यूज़ करना चाहिए। तो ये लेकिन आजकल टेरिस गार्डन करो तो
उतना डालना ही पड़ता है, फ्लावरिंग भी नहीं होता है। और सब अडेनियम में भी डाल देंगे, अडेनियम में तो अभी ना उतना ठंड नहीं पड़ी है, तब भी इसका हम थोड़ा सा कटिंग कर दिए हैं। ये इसको मंगवाए थे ऑनलाइन, और ये हाइब्रिड अडेनियम है, छोटा, 2-3 साल से हम अभी लगा रहे हैं, इसी साल ज़्यादा ऐड किए हैं रोजी वेराइटी का, हाइब्रिड वेराइटी का। इसमें भी थोड़ा थोड़ा अच्छा से वो ऊपर ऊपर का पत्थर अगर हटा के सब में डाल देंगे। फ्रेंड्स आप भी ना यूज़ करके देखिएगा, किचन वेस्ट बना के बहुत आसान तरीका है। और सभी प्लांट के लिए ना ये सभी पोषक तत्व से भरपूर रहता है, एनपीके का भी, किचन वेस्ट बाहर तक ऊपर कंपोस्ट अगर वो आसानी से मिलता नहीं है, बर्मी कंपोस्ट भी खरीदो तो मेरे को ना ज़्यादा मिट्टी अगर मिला रहता है उसमें घास अगर ज़्यादा उगता है तो मैं ज़्यादा किचन वेस्ट का यूज़ करती हूँ। और ये सबको ना अच्छा से चारों तरफ से मिला के वो डाल देंगे। फिर अब 1-2 महीना फरवरी में, 1 फरवरी से फिर इसमें फर्टिलाइज़र डालना स्टार्ट करेंगे। तो ये एडेनियम भी ना अभी वो अच्छा हेल्दी बन जाएगा फ्रेंड, थोड़ा थोड़ा सा लास्ट करके ना। अब 2 महीना और नवंबर दिसंबर में इनको रेस्ट करने देंगे, वाटरिंग तो करेंगे, होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डालेंगे। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो है नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।